What is this? This is A, B, C. A, B, C. Now, what is this A, B, C? A monkey on a tree? No. It's not a monkey on a tree. Hey guys, welcome back to my vlog. So today I'm back with a new video. तो इस न्यू वीडियो में मैं अपनी न्यू कार सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैंने कार चलाना कैसे सीखा और कैसे गर्ल्स को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कार चलाते वक्त. और दूसरी चीज़, बहुत सारी गर्ल्स घबरा जाती हैं स्टार्टिंग में. मेरे को भी वो घबराहट होती थी कि मैं कैसे कार चलाऊँ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, यानी कि गलती कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने रूल्स के साथ, सारी चीज़ों के साथ, सारे फीचर्स के साथ. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको पूरी नॉलेज है तो, बट ऑब्वियसली बात है कि आपके गलती करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. हो जाती है कभी कभी, मतलब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस में होते हैं उनसे भी हो जाती है. तो फिर जो लर्नर्स होते हैं तो उनसे तो होती रहती है, मुझसे अभी तक होती है. मैं इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ कि कार चलाना कैसे सीखें. और हाँ, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. और थैंक यू सो मच. पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी मेरी वीडियोस पे अपना सपोर्ट काफ़ी अच्छा बना के रखा. मैं नहीं थी, बट फिर भी मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती रही कि नहीं, मुझे वापस जल्दी ये सीरीज स्टार्ट करनी है. सो गाइज, वैसे तो सब कुछ ठीक था, बट मैं आई वॉज नॉट वेल, तभी मैं वीडियोज नहीं बना पाई थी. सो सबसे पहले मेरी सीट, कार सीट को आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए. ये आगे, ये पीछे. यहाँ पर एक चीज़ पुल करने के लिए थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर की ओर उसको प्रेस करना है. और ये आप आगे, ये पीछे. सो ये बहुत अच्छे से स्लाइड होके आगे पीछे हो जाती है. दूसरी चीज़, जो गियर है, ये गियर हमेशा न्यूट्रल में रहना चाहिए. न्यूट्रल मींस सेंटर. अभी इसमें कोई भी गियर नहीं डले हुए हैं. सो सब अभी तो ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं, बट मेरे को था कि मुझे यही वाली कार चलाना सीखना है. तो मतलब जिनमें ऐसे वाले गियर्स होते हैं, तो मेरे को था कि मुझे यही सीखना है. तो आप ये देख लीजिए, न्यूट्रल है. अब ये मैंने गियर में डाला. जब मैंने गियर में डाल दिया आगे, तो आप ये देखिए, ये लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है. तो डैट मीन्स कि ये कार मेरी गियर में डली हुई है. तो गाइज, गियर का आपको पता लग गया कि गियर में अगर गाड़ी डली हुई है गियर में, तो ये बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं हो पाएगा. न्यूट्रल है तो अच्छे से मूवेबल है ये लेफ्ट राइट, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है गाड़ी चलाने से पहले कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में हो, अगर आप लर्नर है तो. उसके बाद कार सीट मैंने आपको सेट करना बता ही दिया है कि अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छे से स्लाइड होती है. नाउ दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज ए बी सी. ए बी सी. नाउ व्हाट इज दिस ए बी सी? अ मंकी ऑन अ ट्री? नो, इट्स नॉट अ मंकी ऑन अ ट्री. इट्स नॉट अ राइम बेसिकली. ए बी सी मीन्स कार में ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये क्लच. तो ब्रेक इज फॉर, आपको पता है कि आपको गाड़ी कहाँ रोकनी है. एस्केलेटर से आप रेस टेस्टते हैं. और ये क्लच आपको काम करता है कि आपको कैसे कंट्रोल में करनी है अपनी गाड़ी को, ठीक है. तो ए बी सी, ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी. तो ये है स्टीयरिंग. अब मैंने करी अपनी कार सीट को सेट. ये रही मेरी की, यहाँ पर मैंने लगाई की. और अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मैंने टर्न ऑन करी अपनी गाड़ी. अब ये मेरी गाड़ी टर्न ऑन हो चुकी है. और गाड़ी चलाने से पहले ये रहा बैक मिरर, ये रहे लेफ्ट राइट के बैक मिरर. तो ये आपको देखना है कि पीछे गाड़ी आ रही है, कोई आपको राइट से ओवरटेक करना चाह रहा है, कोई लेफ्ट से ओवरटेक करना चाह रहा है, तो ये मिरर सेट करने बहुत ज़रूरी है. तो चलिए गाइस, ये मैंने टर्न ऑन कर दी थी गाड़ी. अब मैं लगा पूरा प्रेशर जो है मैंने लगाया अपना क्लच पे. सिर्फ अभी गाड़ी मैं करूँगी ऑन. ये देखिए, अब मैंने क्लच से हटा दिया अपना पैर. बिल्कुल क्लच पे था, अब ये क्लच से मैंने हटा दिया है. कोई प्रेशर नहीं है क्लच पे, क्लच बिल्कुल फ्री है, देख सकते हैं आप बिल्कुल आराम से. सो गाइस, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है. अब मैं फर्स्ट गियर डालूंगी गाड़ी में. फर्स्ट गियर कैसे डालूंगी, ये मैं आपको सीट आगे पीछे करके दिखा रही हूँ. ये अभी कोई भी गियर नहीं डला हुआ है, ना मेरा पैर कहीं है, मेरे पैर बिल्कुल फ्री है. और ये मैंने प्रेस किया क्लच, ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल प्रेस कर दिया. ये फुल पेडल व्यू है ये आपके लिए. ये मैंने पूरा प्रेस कर दिया क्लच. सो गाइस, ये मैंने डाल दिया फर्स्ट गियर. अब ये देखिए, मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगी. धीरे धीरे अपना पैर फ्री कर रही हूँ क्लच से और रेस के ऊपर पैर दे रही हूँ. ये देखिए,
लिए मेरे लिए इंडिकेशन है कि स्पीड बढ़ रही है तो मुझे गियर भी चेंज करना है। यहाँ मैंने दूसरा गियर में डाल दी अपनी गाड़ी। ये मेरी गाड़ी दूसरे गियर में आ चुकी है। बैक मिरर, फ्रंट मिरर ये सब सेट करने बहुत जरूरी होते हैं गाइस, आई मीन लेफ्ट साइड मिरर, क्योंकि उसी से आप बेसिकली जो आपको ओवरटेक करना चाह रहे हैं उनको आप देख सकते हो। और घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए। इनिशियली मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अभी तक भी ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए आगे गाड़ी इंडिकेटर दे रही है मुझे कि इसको शायद मुड़ना है या कुछ करना है। तो अब ये जैसे आगे ये आ गया है, चौराया आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कैसे निकालना है, बहुत स्मूथ आपको लेके चलनी है। इनिशियली स्पीड पे नहीं, सीखने पे फोकस करिएगा। सो गाइज, आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए मेरे को बताते रहिएगा। अब पीछे मेरे आ रही है एक बाइक, एक भैया बैठे हुए हैं उस बाइक पर, तो मुझे पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि मेरा राइट साइड मिरर भी ओपन है और बैक मिरर भी ओपन है, तो हमें पीछे देखना है, यानी कि बस हम अपनी धुन में आगे चलते जा रहे हैं। नो, सो वी हैव टू सी बैक कि कोई बैक में आ रहा है, किसी को जल्दी है ओवरटेक करना है हम उनको, हमें तो हम कैसे उनको रास्ता देंगे। तो अभी मैंने उनको राइट साइड पूरी देख रखी है आराम से, और मैं अपने हाथ पे गाड़ी चला रही हूँ।